हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप रेड कलर के बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। ड्रेसिंग टेबल एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हम खुद को संवारते हैं, सजाते हैं और डेली यूज़ उसे करते करते क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसी हो जाती हैं ना कि चीज़ों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेली तो हम उसे क्लीन कर नहीं सकते और डेली यूज़ में भी आती है वो चीज़ और उसमें सबके हाथ लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी है तो सिर्फ हमारे ही उसमें हाथ लग रहे हैं। घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो आते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं और इधर उधर छोड़ देते हैं, अधिकतर यही होता है। और उसे सेट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारे ऊपर ही होता है, तो वो जल्दी मैसी हो जाता है इस वजह से। तो उसको टाइम टू टाइम हमें उसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या है कि बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी जो आपके जो वेस्ट होते हैं ना, उन चीज़ों को लगा के उनको अच्छे से उसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ उसी टाइप से ही कुछ लिया है, मैंने कोई हैवी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं किया है इसको यहाँ पे लगाने के लिए। मैंने घर में ही, देखिए जो हमारे पास कई बार क्या होता है, हम खाना मंगाते हैं, हमारे पास बॉक्सेज आ जाते हैं ना, वो होते हैं या कुछ भी बॉक्सेज बचते हैं ना, तो मैं यहाँ पे वही यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक लुक दिखा दिया आपको कि कैसा मैसी था मेरा पहले ड्रेसिंग टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेडशीट बिछा लेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, हमारा जो भी अंदर का सामान हम निकालेंगे वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि सारा सामान इधर उधर बिखरेगा, गंदगी होगी, फिर बाद में क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, बेडशीट डालने से क्या होगा कि सारा जितना भी मैस होगा ना वो एक जगह पे ही आएगा, उसे क्लीन करना इजी हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह के बॉक्सेस को यूज़ किया है। ये देखिए, एक खाने का बॉक्स है जो फूड पैक को कराया था उसका बॉक्स है, और ये कुछ ऐसे पहले से ही रखा हुआ था मेरे पास, और ये भी कुछ देखिए कुछ सामान ही आया था उसमें, उसके बॉक्सेज हैं। तो मैं यहाँ पे इन बॉक्सेस को ही यूज़ करने वाली हूँ इन्हें लगाने के लिए। आप चाहें तो मिठाई के बॉक्सेस आते हैं उनको रैप कर सकते हैं, उनको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन काले वाले बॉक्सेस में मैंने क्या किया है कि अपनी जो लिपस्टिक हैं, जितनी भी हैं मेरे पास में, मैंने उनको यहाँ पे अरेंज कर दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना, ऊपर नीचे पड़ी रहती है ना, तो जो सामने आता है बस वही यूज़ करते रहते हैं, नीचे वाली में पता ही नहीं चलता कौन सा शेड है क्या है, और वो सारी इसी तरह से होती रहती हैं। तो मैंने क्या किया ना कि इसको इस तरीके से इसमें अरेंज कर दिया है ना, तो इस वजह से अब क्या होगा कि उनको यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे ये फाउंडेशन स्टिक है, वो भी मैंने इसी के साथ में डाल दी है ताकि ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो वो उसी के साथ में ही सारा मैंने अरेंज कर दिया है। ये देखिए, लिपस्टिक का शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। तो इस तरह से करते हुए मैंने सारे इन दोनों बॉक्सेस में अपनी सारी जो भी हैं लिपस्टिक को मैंने अरेंज कर दिया है। और दोनों बॉक्सेस में मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि जो मैं लिक्विड और लिपस्टिक है ना, और जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ उनको मैंने एक बॉक्स में कर दिया, और जो कभी कभार यूज़ करती हूँ उनको मैंने अलग बॉक्सेस में यूज़ कर दिया है। और ये देखिए, मेरे कुछ लाइनर, पेंसिल, काजल, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास रखा हुआ पहले से, वहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया है। और ये देखिए, वाइट बॉक्स में मैंने बैंड, क्लिप्स और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लेके उनमें सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आपके पास जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और पहले सारा मैंने सब क्या किया कि ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारी चीज़ें सेटअप कर ली, और उसके बाद में उसको ड्रेसिंग टेबल में ले जाके उनको सेट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, पहले मैंने उस पर जो सीट बिछी हुई थी मैंने उसको निकाला, उसको क्लीन किया, और वहाँ पे भी क्लीन करके देखिए इस तरह से बॉक्सेस को मैं लगाती गई वहाँ पे। तो देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। देखिए, पहले पूरा सब बिखरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ही। जो मेरा नीचे वाला ड्रॉर है वहाँ पे मैं क्या रखती हूँ, अपनी बैंगल्स रखती हूँ, अपने ईयरिंग्स रखती हूँ, अपने नेल पेंट का कलेक्शन रखती हूँ। तो नीचे वाला बॉक्स मेरा सारा इसी के लिए होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा सारा बैंगल्स का कलेक्शन है, ये मेरा ईयरिंग्स का कलेक्शन है। देखिए, बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स हैं, और इनका कलेक्शन ऐसा है कि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से लाती ही लाती हूँ। तो ये मतलब ढेर सारे हो गए हैं मेरे पास, और हर जगह की कुछ ना कुछ यादें हैं सभी के साथ में। तो ढेर सारी इयरिंग्स हैं ये, और ये नेल पेंट्स हैं, तो मैं सभी को एक साथ ही रख देती हूँ। रिमूवर भी एक साथ ही रखा है, और ये खाली बैग है, जैसे कहीं भी कभी अचानक से जाना हो, कुछ हो, तो खाली रहते हैं ना, तो उनको पैकिंग करना ईजी हो जाता है, मतलब आपने इसमें रखा जल्दी से और निकल गए। तो इस तरह से मैं एक दो बैग तो खाली रखती ही रखती हूँ। तो देखिए, नीचे वाले ड्रॉर को मैंने क्लीन किया, और अपने बॉक्सेस को क्लीन करके वापस फिर उनको वहाँ पे अपने हिसाब से मैंने उनको अरेंज कर दिया। ये देखिए, इस तरह से मेरा नीचे वाला ड्रॉर भी एकदम अच्छे से अरेंज हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। ये वाओ का हेयर मास्क है, मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है ये देखिए। इस तरह से फिर मैं बाहर से भी इसको क्लीन करती जा रही हूँ, तो जो अच्छे से ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं उनको क्लीन करती जा रही हूँ साथ ही बंद करने के बाद भी। तो दो मेरे ड्रॉर हैं ये दोनों डन हो चुके हैं। अब आते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। तो जो ऊपर वाले सेक्शन है इनमें बहुत ज़्यादा सामान मैसी होता है, क्रीम है, डेली की जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तेल हो गया, क्रीम हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया,
और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं छोटी 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 करके, तो वो सब ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, तो एक एक करके निकालती जाऊँगी और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करती जाऊँगी। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, आपका जैसा स्पेस है उस हिसाब से आप उसको लगाइए, और जो पीछे साइड में आप जो कभी कभी यूज़ करते हैं हम चीज़ें उनको रखिए। ये देखिए यहाँ पे वाव का जो ये ऑयल है ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये दो मेरे पास हेयर सीरम है जिनको मैं यूज़ करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ उनको क्या करती हूँ कि मैं पीछे साइड में रखती हूँ, और जो चीज़ें रेगुलरली यूज़ के लिए होती है ना उनको मैं आगे रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से करिए, उनको उठाना उनको यूज़ करना ना बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से करने से। तो बस इस तरह से करते हुए मैं सारा पूरा क्लीन करती जा रही हूँ। तो ये देखिए एक बॉक्स है, ये मैंने आगरा से लिया था, बहुत ही अच्छा सा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ऐसे छोटे मोटे सा कुछ सामान रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ और उनको उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ, और मतलब पूरा क्लीनअप अच्छे से होने के बाद में ना पूरा ही लुक चेंज हो जाता है ड्रेसिंग का बिल्कुल, और बहुत मतलब अच्छा लगता है। बट डेली तो नहीं हो पाती है सारी चीज़ें, इसलिए कभी कभी करना तो ठीक है, अच्छा होता है ना, एकदम क्लीन भी हो जाती हैं सारी चीज़ें हमारी। और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें मेरी ऐसी थी कि जो वेस्ट हो चुकी थी उनको मैं हटाती जा रही थी। ये देखिए प्लम का यहाँ पे एक फेस क्रीम है और एक ये हेयर फेस मास्क है, ये प्लम का काफ़ी अच्छा है, इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं इनके। तो बस इस तरह से करते हुए मैं सब चीज़ें, और जो भी चीज़ें ऐसी हैं ना, ये देखिए परफ्यूम है, ये हस्बैंड मेरे लेकर आए थे बाहर से, ये देखिए दुबई के हैं, ये परफ्यूम बहुत अच्छी स्मेल है इनकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो भी सामान ऐसा है कि जो एक्सपायरी हो चुका है, जो काम का नहीं है, जो यूज़ में नहीं आता, जिन्हें मैं यूज़ नहीं करना चाहती, काफ़ी सामान ऐसे होते हैं कि हम ले तो आते हैं बट हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी बहुत सबके पास ही ऐसा सामान मेरे ख्याल से होता ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे साथ तो बहुत होता है, ले आते हैं फिर बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो यूज़ में नहीं आ रहा होता है, तो बस ऐसे ही है फिर उसको, फिर मैंने काफ़ी ऐसा हो गया या तो किसी को दे देते हैं, और अगर नहीं अगर हो पाया कुछ तो फिर मैं उसे फेंक देती हूँ, फिर मैं क्या करूँ, कुछ थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद में उसे किसी को दे ही देती हूँ, और कुछ जो ऐसी चीज़ें जो एक्सपायरी हो चुकी हैं उनको मैं फेंक रही हूँ उनको साथ ही साथ। तो वो सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इस तरह से क्लीन भी होती जा रही हैं, और हमारे काम की चीज़ें सारी इसमें रह जाएंगी जितनी भी हैं। तो ये देखिए पूरा सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, पोंछ दिया, उसको लगा दिया। देखिए इस तरह के बॉक्स में मैं अपनी जितनी भी वाइप्स होते हैं और जितने भी हमारे फेस पे लगाने के लिए पैक्स हैं या जो भी है ना, वो मैंने सारे एक उसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से करते हुए हमारी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल क्लीन हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा इसे क्लीन करने में, और जल्दी से क्लीन हो गया पूरा मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा ऑर्गेनाइज हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो किसी हेल्पफुल लगा हो, आपको किसी काम का होना, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।